हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो चुका है और आज पता है आज ऐसा दिन है जिस दिन हमारी जो दीदी है वो नहीं आती है। तो आज हमें सारी चीजें घर की देख रेख करनी है। सबसे पहले भी चलते हैं सनी का ब्रेकफास्ट बनाते हैं और क्या क्या होगा वो आपको दिखाएंगे। चल यहाँ पे हो रहा है नए माइक्रोवेव का क्या हो रहा है इंस्टॉलेशन सीख लोगी? फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सीख रही हूँ। रिजा को वैसे ऑलरेडी आता है इसलिए वो अभी नहीं आई है क्योंकि अभी पढ़ रही है, लेकिन वो यही यूज करेगी इसलिए अभी मैं भी थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ। कल को मैं भी कुछ हेल्प कर पाऊँ। और ये भाई हमारे यहाँ इंस्टॉल करेंगे। बेक करना है बिस्किट, ज्यादातर हमको केक और कप केक यूज करना है। कौन सा कट होता है पता नहीं कौन सा कट है, तो कोई आर्मी कट कटा लिया हमने। आर्मी कट नहीं है ना ये? नहीं है। जो भी कट है हमें अच्छा लगता है हम कटाते हैं, बात खत्म खाने के लिए। वैसे ग्रिलिंग तो हम कभी करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? पनीर भी हो जाता है। पनीर भी हो जाता है। अभी समझो कभी गरम रहता है तो ऐसे लगा के क्या काम है इसका? ये सब डस्ट नीचे गिरेगा। तो अभी फैन लग गया, पावर हो गया ऑन। ये टेम्परेचर सेट करना है, स्टार्ट ऑफ। ये लाइट का ऑप्शन है, ये फंक्शन दिया है सब। ये मशीन ने ऑटोमेटिक ले लिया टाइम, ये उसको हमको कुछ सेट नहीं करना है। टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक सेट है यहाँ, वो भी नहीं सेट करना। हमने समझ लिया, रिजा को भी समझा दूंगी, फिर रिजा जो भी बनाएगी या कभी मैंने कुछ ट्राई किया तो आपको बताएंगे। फ्रेंड्स हमारा बेचारा मिस्ट्री बॉक्स देखो कैसे पड़ा हुआ। मिल गई पट्टी वाली, मिंत्रा पे एक ही थी बस। मेरे खोपड़ा बड़ा है लेकिन ये सही है। पता है मैंने किसको देख के मंगाई है? अविनाश भाई, वो लगाया था कश्मीर गया था ना, उन्हीं को देख के मैंने मंगाई। वो स्मार्ट लग रहा था, तुम पे नहीं अच्छा लग रहा। अभी काम से हम जा रहे हैं बाहर, मेरा कुछ काम आ गया था तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद आके। अभी हम आ गए फ्रेंड्स क्यूटिस पे क्योंकि मुझे अपना लेजर हेयर जो रिमूवर होता है ना उसका आज सिटिंग लेना था। इसको जलाना पड़ेगा आज कल। फ्रेंड्स अब मैं आई हूँ तो सनी का हम ये भी दिखाएंगे। ये छोटा छोटा सा ये हो रहा है ना डॉक्टर, तो ये किस रीजन से हो जाता है? वॉट्स हैं छोटे छोटे, कभी कहीं से लगे वैसे धूल मिट्टी से भी भरते हैं। अच्छा। और ये क्या, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। वैसे तो अगर आप क्लोजली देखो तो कुछ फ्लैट भी है। हाँ। ये तो फ्रेकल्स हैं। वो फ्रेकल्स हाँ, ये जेनेटिक होते हैं, धूप से बढ़ते हैं, यूवी लाइट एक्सपोजर से। लेकिन जो हाथ में फील हो रहे हैं ना ये छोटे छोटे वॉट्स है, काफी कॉमन है। बहुत से लोग नेक पे हो जाते हैं, अंडर आर्म्स में, जहाँ भी स्किन के ऊपर स्किन रब करती है ना। अच्छा। वहाँ हो जाते हैं। इसको निकाल देना चाहिए, ये एक ही बार में निकल जाते हैं। अच्छा, तो हाँ, ज्यादा पेन नहीं होगा तो निकाल देते हैं। हम बस क्रीम लगाएंगे 20 मिनट सनी और उसके ऊपर उसको बस बर्न करेंगे। 2-3 दिन हल्का सा रेड रहता है, वेरी सिंपल। चालू कर लीजिए। हम एलएचआर कर रहे हैं ना मेरी स्किन पे, और एलएचआर भी कर रहे हैं और मैं तो हाइपो भी करना चाहती हूँ। क्या थोड़ा और वेट लूज कर लूँ उसके बाद कर? लास्ट प्रोग्राम चल रहा है। हाँ तो ठीक है, ये भी कर सकते हैं थोड़ा सा वेट लूज करके, बिकॉज लेकिन अब आपको लग रहा होगा ना थोड़ी सी लाफ लाइंस वगैरह आ रही है, वेट लूज हो रहा है तो ये हो नहीं रहा है। आप नहीं हो रहा है भाई, हो रहा है पहले से तो हो रहा है। तो बड़ी खुश हो गई होगी ये बात सुन के। डॉक्टर हमेशा पॉजिटिव फील कराती है, मैंने बोला ना स्किन तो अच्छी होती है, यहाँ के दिल भी खुश हो जाता है। हाय शाही। हेलो मैम। तो आज कौन सा फेशियल कर रहे हैं? हम क्रिस्टल स्किन फेशियल कर रहे हैं, ये है आरएफ फेशियल, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है। ये न्यू है और ये पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है, मजा आ रहा है। तो हो गया हम लोग का ट्रीटमेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको फ्रेंड्स। बाय सबको। बाय। बाहर से आ चुके हैं फ्रेंड्स, फेस आप पास से देख सकते हैं, अभी थोड़ा बेटर हो गया है। आज बना लूँ के? नहीं पढ़ाई करो। कप केक बना लो छोटा भाई। हाँ, छोटा वो आधे घंटे से। ये लोग कोई सरप्राइज के लिए, अब देखो 5 दिन बचे, अब कंटिन्यू करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। रुको मैं कर रही हूँ। ऐसा क्या है? और पता है मेरी सिर्फ एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो। नहीं आप बंद कर, अभी मत बोलना, ठीक है बंद रहने दे। ऐसा क्या है? अरे वाह, इधर की देखिए देखिए। अरे बाप रे, लग लग गया पैर में। अल्लाह ना करे बेबी, खोलो आंख। तुम्हारे लिए किया क्यों, क्या क्या आता है? बर्थडे पे कर देते, अब इसे इतना पहले से इतना अच्छा कर दिया, मैं बर्थडे पे क्या करूँगी? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। किसने किया, किसने क्या किया, करवाया है? थैंक यू। एक चीज
चीज ही बहुत अच्छी है। बर्थडे के दो दिन पहले से ये करना चाहिए ताकि बर्थडे तक फील आए कि बर्थडे है। बर्थडे एक दिन करो, अगले दिन से बर्थडे खत्म। थैंक यू वाला तो मैं खुश रहेगी। बैठ जाओ, तुम्हारे पैर में लग गई है। सनी आप इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो सरप्राइजेस का? मैं तो ऐसे ही खुश रहती हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, अब बच्चे भी तुम्हारे लिए। अब निकालो, तुम बर्बाद करने आ गई तुम यहाँ पे। इसीलिए तो मैं खींच रही हूँ। अगर मेरी फॉल सीलिंग खराब हुई, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आरती से। हाँ। तो उसने बोला था कि वो जो टेप लगा रहे हैं वो खराब नहीं करेगा। आरती ने वो कराया? हाँ, मैंने आरती से बोल के कराया। थैंक यू आरती। ये मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग ने इतना कर दिया तो बर्थडे पे क्या करोगे? मुझे इसमें सारी खुशी मिल गई मुझे। और तुम लोग बिल्कुल प्रेशर नहीं लोगे कि हम बर्थडे पे क्या करें। सनी प्रेशर ले रहा है, हमें भी मजा आएगा साथ में। बहुत महंगा नहीं है। हाँ। बहुत महंगा नहीं है, बता दें। हाँ। ये 2000 रुपए में आप कर सकते हो इतना। हाँ। हीलियम थोड़ा महंगा था इसलिए हमने कट कर दिया। हीलियम महंगा नहीं, सस्ता करना है। काम वो करना है जो सब कोई कर सके। क्यों भाई, तू मैसेज है दो भाई, गिफ्ट अपना क्या है, जरूरी है बता देना दुनिया को। हाँ तो और क्या है, उसमें उम्र से पानी में क्या जाता है भाई, जो है तो बताओ। रियल बिना खुशबू वाला गुलाब से क्या क्या। सरप्राइजेस तो होते रहते हैं। अल्लाह तुम जैसे भाई बहन, तुम जैसे शोहर सबको दे। सब आपस में छोटा सेलिब्रेट करो, करो नहीं करो, आपस में मिलके रहो, मोहब्बत से रहो। तुम्हारा मत भी अच्छा है रे। कैप वैप लगाया ठंडी में। आज का जो था वो समापन यहीं पे होता है। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, एकदम ड्रीमी लग रहा है। कभी ऐसा सरप्राइज नहीं मिला। आज जिम जाने का टाइम नहीं मिला दिन भर, तो वॉक कर लेते हैं हम लोग तेज तेज। ठीक है, शूज पहन के आगे। The next day. भाई मेरा हाल देख ले, टूटी हुई गर्दन के साथ। आज अगर सरप्राइज हुआ ना तो आज क्या पकड़ा नहीं। आओ कोई बात नहीं, कोई दो मिनट पहले थोड़ा साफ कर। आओ बच्चे इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए। अरे भैया मुझ पे गिर गया शायद। आजा 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 भी मत आना। वाओ क्या वो हारो दो होने वाली हो क्या? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट था, क्योंकि मैं आज मैं पूरा लंगड़ा लूला हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बस यही किया है। आप बैठ जाओ, मैंने इसलिए इसको डांटा कि अगर आज तुमने कुछ प्लान किया ना तो देख लेना। नहीं, नहीं कोई प्लान नहीं, छोटे से बच्चों को प्लान था मेरा, कुछ प्लान नहीं, क्योंकि बहुत पेन है। मेरी दुआ करिए कि मेरी नस खिंच गई है, बहुत दर्द है। ऐसे व्लॉग हमने कल बनाया था, उसको आज दिन भर नहीं बनाया क्योंकि सनी को इतना ज्यादा पेन हो गया कल से। दवा भी खा लिया, कुछ से थेरेपी भी करा लिया, किसी ने बोला कि कोई नस बैठाने वाले होते उनके पास भी चले गए, जो नस बैठाते उन्होंने ये पट्टी वट्टी उनको बांध दी है। क्या बनाया भैया तुमने? बनाया नहीं है ना कल? ये बनाया दो एक घंटे फ्रेंड्स, पूरा वॉक करके आई हूँ मैं, और ये लेके आई। ओ सनी भाई को नहीं अच्छा लगेगा, और लिख से पूरा ही स्पेशल पे है। हम DIY गए थे, वहाँ पे मुझे एक इतनी अच्छी चीज दिखी थी, इतनी अच्छी चीज दिखी थी, और ये देख के मैं सोचा था भाई सनी को दूंगी मैं तुम्हारी याद आ गई थी। क्यों अरे यार तुम सुबह अरे चॉकलेट देखो फ्रेंड्स बंद करो इसको, ये अच्छी चीज है ना। ये बता तुझे टट्टी देख के मेरी याद आई करियो बेबी। मुझे ये था कि सनी को देख के बहुत हंसी आई है। आप हंसे ना? हंसा तो मैं। हाँ। भी जाना बैंक में जैसे वो कहे साइन करने के लिए, तो कहे एक सेकंड में अपना पैन ओपन कर लूं। The next day. तुम्हारे लिए एक चीज मैंने बनवाई है, जो भी बर्थडे में जिसको जिसको आना है उसके लिए इनवाइट करने के लिए। ऐसा बर्थडे तुम लोगों ने कभी मनाया है? एक शादी में भी जाना है। शादी में जाने से पहले क्या करना पड़ता है? बहुत देर सोचना पड़ता है कि क्या पहनना है। बस मैं आ गई हूँ अपने सूट किस लेके। शादी में जाने के लिए तुम पहले से कल डिसाइड कर लेती कि ये पहनना है? वो मैंने पहना था, ट्राई करा, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा मैं पहनूं ही नहीं। ये देखिए ये निकला कलेक्शन इसका, इतना अच्छा है कि लगता है पहनू नहीं। तो फिर पहनूगी क्या? फोटोशूट के लिए आज वाई लाइट ले गया है। सौरभ कौन सी लाइट है? ये एलईडी लाइट है। एलईडी लाइट है, ये येलो भी होगी या बस व्हाइट रहेगी? नहीं नहीं, इसमें येलो भी होगी, पैनल लाइट, एलईडी पैनल लाइट। कितने की मिली है ये भाई? 4000 की। 4000 रुपए की लाइट मंगाई क्योंकि सभा को होना है फोटोशूट, तो उसके लिए आई है। ये हमारी पुरानी वाली हमने यहाँ लगा दी है, उसका स्टैंड खराब था, स्टैंड हमने चेंज कर दिया। मैं जा रही हूँ अपना मेकअप कराने, आप भी तो उठो, आप भी तो निकालो, आप क्या पहनोगे? अभी एक दिन गर्दन में आराम नहीं मिला, फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लेटने लगे। अभी गर्दन टेढ़ी हुई थी, फिर कवर टेढ़ी हो गई। हाँ तो तकिया तो फ्रेंड्स मना किया था डॉक्टर ने, तकिया कैसे देती? इसलिए आप सबको पता है कि हमें जाना है शादी में, और शादी में थोड़ा अच्छा मेकअप चाहिए होता है, और अच्छा मेकअप कौन कर सकती है? आसिया कर सकती है, और उसकी सिस्टर है, ये दोनों आ चुके हैं। अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं, और आपने पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, आसिया के चैनल को भी बहुत प्यार दिया, और मेकअप बहुत पसंद किया, तो थैंक यू सो मच। आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं, फिर वो आपको दिखाते हैं।
फ्रेंड्स देखिए मुझे आज कितना अच्छा रेडी किया है आसिया ने, बहुत ही सॉफ्ट सा लुक मुझे चाहिए था और एग्जैक्टली वैसे कर दिया जैसे मैंने सोचा था। थैंक यू सो मच। और आप पूरा जो ट्यूटोरियल है वो इनके चैनल में देख लेना, मेकअप बाय आसिया कश्मीर। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय। रेडी हो गया मैं? अभी ठीक है आपकी गर्दन? एकदम सही। हाँ सही है। क्रिकेट खेल सकते हो? क्रिकेट के नाम पे सही हो जाएगी ना आपकी गर्दन? कहीं है तो बताओ। शॉपिंग भी ला सकते हो? नहीं जा सकते। और सौरभ ने बहुत अच्छी रील भी शूट कर ली है, वो आप लोग देखना जब एडिट होके आएगी। तो अभी चलते हैं घर वालों को अपना मेकअप दिखाते हैं। माशाल्लाह अच्छा मेकअप किया आज, मुझे पहली बार तुम्हारा मेकअप अच्छा लग रहा है, सच बात है। सामने जाओ। रेहान कह रहा कैसा है देख? रेहान को नहीं अच्छा लग रहा। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रही है पहले वाली, तुम अच्छी लगी। अच्छा मेरा आउटफिट भी अच्छा लग रहा है। मैं तो रेडी होके आ गई हूँ, रिजा रेडी होती नहीं। हमने कहा बस हल्का सा क्लिप व्लिप तो लगा लो कि लगे शादी में आए हो। खाना मिलेगा शादी में? अभी से भूख लग रही है। सुबह से नहीं खाया, कुछ है खाने को? फ्रूट खा लेते। चलो खा लो, चलते हैं। चलो फ्रेंड्स अभी हम जल्दी से निकलते हैं। बुके भी आ चुका है, ये आ गया है बुके। हमने सोचा था इस बार हम पूरा रेड रोजेस का बनवाएं। बाय अम्मी, बाय अम्मा, बाय बेटी खाला। चलो अल्लाह हाफिज़। लोग चलते तो अच्छा अच्छा खा के आ जाते, अब बैठे हो। कुछ ऑर्डर तो पाव भाजी कर रहे। चलो मैंने लोगों से कहा तुम लोग चलते तो कुछ अच्छा अच्छा खा लेते, बेटी खाला के लिए जा रहे हैं अंडा तलेंगे। तुम्हारी किस्मत बन रही है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बहुत जेंटलमैन लग रहे हो। फ्रेंड्स बताना कमेंट सेक्शन में। तो निकल चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग, हमारी कार गई है सर्विसिंग में, तो हम अभी कैब से जा रहे हैं और वेन्यू पे पहुंच के आपसे मिलते हैं। हाय, वालेकुम अस्सलाम। आपका बेटा सुख आप लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। इसको इनको जबरदस्ती आंटी ने फ्रूट दे दिया और ये अब खा नहीं रही है। खाओ, जिससे बोलो फ्रूट्स खाए, अभी कमेंट में बोलो फ्रूट खाए। रिजा खाओ, अमरूद मिल गए मुझे। मुझे पकड़ो मैं गिर जाऊंगी। हाथ में आ गया। अब मैं तुम देने आई हूँ, लेने आई हो उसका? अच्छा उसका लेके आ गई तुम यहाँ से? नहीं तो झिझक हो रही थी। सनी फ्रूट्स खा लीजिए। तुम खाओ, मैं नहीं। आपने नहीं खाया? मैं सीधा माल खाऊंगा। तुमने? मैंने खाया फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ। मुझे ये फ्रूट्स का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा ना। अच्छा। नाइस। तुम लोग भी खाना खा लो, इनके चेहरे में साफ दिख रहा है कि भूख लगी है। रिजा तुम डाइट पे हो भाई, उसको भी डालो बच्ची को। वो ये नहीं खाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जूस भी नहीं पीती वो, डाइट रोटी और वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वो रोटी और मेन कोर्स ला देना। मैं खा पी लिया, हम लोग चलते हैं। मैंने बहुत दबा चलवा दिया। अरे शुक्रिया बहुत बहुत होगा आप सबका महफिल बुलाने का। अरे खाना खिलवाने का। चलो ठीक है भैया, ओके भैया, अल्लाह हाफिज़। आया पेट भर के? अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा लगा, मजा आया? हाँ जी, ये डॉग और फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा, फोटो बड़ी अच्छी आई है, मजा आ गया, बेहतरीन खाना भी दबा खाया, चलते हैं घर, मजा आया सबको, ये खा के बैठे हैं, बहुत खाना खाया यार दबा के भाई, गए थे सीट पे बैठ के, हम लोग फिट नहीं आ रहे, और सबसे अच्छी बात ये कि तुम्हारा मेकअप बहा नहीं है इस बार। आ चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा थकान हो गई है, ज्यादा कुछ आज इतना किया नहीं, लेकिन फिर भी मेकअप कराना, बैठना, अब आप बोलोगे फिर मेकअप क्यों कराया, लेकिन मेकअप करा के भी अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज लगता है, इसलिए कराया, और इयररिंग भी बहुत ज्यादा भारी, सनी भाई के शूज ले जा, कह रहा है क्लॉग में हम सब अपने जूते दिखाएंगे, मैंने कहा तू सबसे ऊपर आएगा, मैं सबसे नीचे, सबसे नीचे मैं नहीं, मैं भी फ्रेंड्स, हमने ब्लॉग का एंडिंग नहीं लिया था, सोचा एंडिंग ले लेते हैं, और आप सबको थैंक यू भी कह देते हैं, आप सबको हमारा मिस्ट्री बॉक्स था बहुत पसंद आया, सरप्राइज जो है वो अच्छा लगा, रिजा भी बहुत खुश है, रेहान भी बहुत खुश हुआ, और भाई बहनों को खुशी देखे अच्छा लगता है, और काफी लोग कह रहे हैं सारा को, तो सारा को इसलिए नहीं अभी बोला कि उसके पेरेंट्स से एक बार पूछना पड़ेगा, काफी लोग ये भी कह रहे थे कि आप उमरा भी उनको ले जा सकते थे, तो उमरा तो सबसे अच्छी चीज है, और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हमारा भी उमरा ही था अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी होना था, लेकिन अभी उनकी अम्मी ने भी नहीं किया, हमारी अम्मी, यहाँ तक कि हमारी नानी भी नहीं गई है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, ऐसा सोचा है हमारा सपना कि सब फैमिली साथ में जाए, लेकिन हमारी फैमिली में कुछ ये ज्यादा है कि अम्मी जाएंगी तो वो भाई के साथ ही जाएंगी, भाई जाएगा तो ही पापा जाएंगे, लोग जाएंगे तो एक खाला लोग जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह सब लोग जाएंगे जल्दी, हाँ, तो सबसे पहले तो हमारी तमन्ना है कि हमारी नानी जाए, क्योंकि वो सबसे पहले डिजर्व करती हैं, तो हम लोग सब इंशाल्लाह मिलके कुछ ऐसा प्लान करेंगे, सबकी फैमिली दोबारा फिर चलेंगे, अम्मा पापा सबको लेके चलेंगे, हमारा तो यही सपना, हमें तो कोई अगर हर महीने भी बोले तो इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे, फैमिली में कुछ ज्यादा ही कहते नहीं, मोहब्बत इतनी ज्यादा कि एक दूसरे को छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता, अच्छा लगता है जाने में, कहीं भी जाओ तो अच्छा ही लगता है, तो बस यही था फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बहुत सारा प्यार दें, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल, और सनी को स्पेशल थैंक यू, इतनी तकलीफ में, उनकी गर्दन में पेन है, फिर भी वो मेरे बर्थडे के लिए इतनी सारी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज अगर आपके पास कोई आइडिया है, क्योंकि मेरी गर्दन की नस खिंच गई है, मेरे बहुत दर्द है, अगर कुछ किसी के पास आइडिया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि वो आ रहा है, दर्द जा रहा है, अब कुछ मत करो, अब बैठो ठीक है, और मेरे लिए दुआ भी करो, और बताओ भी क्या करना है मुझे, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।